हेलो फ्रेंड्स, आज हम रियली और वेरी में डिफरेंस देखेंगे और फोकस रहेगा रियली के यूज़र्स पर। वेरी तो हम पढ़ चुके हैं, इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया था उसमें वेरी और वेरी मच और मच मेनी के बारे में हमने सीखा था। यहाँ पर हम वेरी और रियली में डिफरेंस देखेंगे। ओके, चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। रियली का मतलब अगर हम हिंदी में देखें तो सचमुच, वाकई, यथार्थ में या वस्तुतः होता है, और वेरी का मतलब होता है बहुत। जब एडजेक्टिव और एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं, के बारे में बताते हैं, तो हम रियली और वेरी दोनों का मतलब लगभग एक ही होता है, बहुत से ही संबंधित होता है। शी इज़ रियली ब्यूटीफुल, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, इन दोनों में ही रियली और वेरी मॉडिफाई कर रहे हैं, यानी एम्फेसाइज कर रहे हैं ब्यूटीफुल को। वह वाकई बहुत सुंदर है, वह बहुत सुंदर है। शी इज़ रियली ब्यूटीफुल, वह वाकई सुंदर है। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर है। फिर भी इन दोनों का मतलब एक ही है, वो बहुत सुंदर है। तो रियली यहाँ पर वेरी का ही मतलब दे रहा है। ओके, तो एडजेक्टिव ब्यूटीफुल को मॉडिफाई कर रहे हैं। शी स्पीक्स रियली फ्लुएंटली, शी स्पीक्स वेरी फ्लुएंटली, इन दोनों का भी मतलब लगभग वही है। वह वाकई फर्राटेदार बोलती है, वह बहुत फर्राटेदार बोलती है, इन दोनों का मतलब लगभग एक ही है। तो जब पॉजिटिव सेंटेंसेस में एडजेक्टिव और एडवर्ब को मॉडिफाई कराना हो तो रियली और वेरी दोनों एक दूसरे के स्थान पर लग सकते हैं और उनका मीनिंग लगभग एक जैसा होता है, कोई डिफरेंस नहीं है। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। शी इज़ रियली अ सिंगर, शी इज़ वेरी अ सिंगर, इन दोनों सेंटेंसेस को देखें तो दूसरा सेंटेंस गलत है। शी इज़ वेरी अ सिंगर, नाउन के साथ हम वेरी का यूज़ ऐसे नहीं करते हैं। ठीक, तो दूसरा सेंटेंस गलत है, वेरी का यूज़ नाउन के साथ नहीं होगा। अ सिंगर इज़ अ नाउन, सिंगर इज़ अ नाउन। ओके, शी इज़ रियली अ सिंगर, रियली का यूज़ इस तरीके से हम कर सकते हैं और इसका मतलब होगा वह सचमुच एक सिंगर है। जैसे हम कहें कि वह सिंगर है और कोई भरोसा नहीं कर रहा है, सच में सिंगर है, तो मैं कहता हूँ हाँ सच में सिंगर, शी इज़ रियली अ सिंगर। तो इस तरीके से रियली का यूज़ नाउन के साथ भी होता है, वह सिंगर है उसको जोरदार तरीके से कहने के लिए यूज किया गया है। ओके, आई एम रियली अ टीचर, यदि किसी को डाउट है वेदर आई एम टीचर या नॉट, तो मैं कहूँ आई एम रियली अ टीचर, और पर्सन बिलीव नहीं कर रहा है लेकिन मैं कहूँ आई एम रियली अ टीचर, तो इस तरीके से नाउन के साथ भी रियली का यूज हो जाता है, और ये कहने के लिए सचमुच के अर्थ में होता है, सचमुच ऐसा है या नहीं। तीसरा सेंटेंस है शी इज़ अ रियली गुड सिंगर, चौथा है शी इज़ अ वेरी गुड सिंगर, दोनों का मतलब एक ही है, और मतलब क्या है, वह बहुत अच्छी सिंगर है। कोई मीनिंग में फ़र्क नहीं है इन दोनों सेंटेंसेस में। लेकिन पांचवा सेंटेंस है शी इज़ रियली अ गुड सिंगर, इसका मतलब है वह सचमुच अच्छी सिंगर है। ओके, तो हम अपने बात को कि वह अच्छी सिंगर है उसको जोर देकर कहते हैं रियली का यूज करके, शी इज़ रियली अ गुड सिंगर। पांचवा थोड़ा सा अलग है, उसके बाद आर्टिकल लगा हुआ है और एडजेक्टिव गुड और सिंगर नाउन है, लेकिन तीसरे में आर्टिकल ए पहले है वहाँ पर, तो ये अंतर है और मीनिंग में भी अंतर है। तीसरे का मतलब वह बहुत अच्छी सिंगर है और पांचवें का मतलब वह सचमुच अच्छी सिंगर है। इस तरीके से नाउन और एडजेक्टिव के साथ हम रियली को इस तरीके से यूज करते हैं। शी इज़ नॉट रियली अ सिंगर, शी डिडंट रियली नो मी, ये सेंटेंसेस निगेटिव सेंटेंसेस हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, और इसमें इनका क्या मतलब होता है, हम नेगेटिव सेंटेंसेस में रियली का उपयोग करते हैं अपनी जो स्टेटमेंट है, अपना निगेटिव जो स्टेटमेंट होता है, जो हम कहते हैं ऐसा नहीं है, उसको थोड़ा कम जोरदार बनाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हम किसी को कहते हैं वह भूखा नहीं है, तो कहते हैं वह उतना भूखा नहीं है, तो हाँ रियली का यूज़ करते हैं हम। क्या तुम मुझे जानते हो, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, ऐसा अगर हम कहें, लेकिन उसी को थोड़ा पोलाइट वे में कहना चाहें तो आई डोंट रियली नो यू, इस तरीके से हम कह सकते हैं उसको।
शी इज नॉट रियली अ सिंगर मीन्स शी डज नॉट हैव ऑल द क्वालिटीज ऑफ अ सिंगर. शी इज अ सिंगर बट नॉट सो गुड, उतनी अच्छी नहीं है. पहले का मतलब है शी डिंट रियली नो मी, वह मुझे नहीं जानती है. मीन्स शी डिंट रियली नो मी, वह बहुत मुझे नहीं जानती. शी नोज मी बट नॉट एज मच एज शी शुड, जितना जानना चाहिए उतना नहीं जानती है. रियली का यूज़ कर देने पर यह मतलब निकलता है, यानी निगेटिव स्टेटमेंट को थोड़ा सा सॉफ्ट बना देता है, सॉफ्टर कर देता है रियली. ओके, आई एम नॉट रियली हंग्री, आई एम नॉट रियली हंग्री. ध्यान ये देना है कि जब नाउन हो, अ सिंगर पहले सेंटेंस में नाउन था तो वहाँ पर हमने रियली का यूज किया, वेरी का यूज नहीं कर सकते वहाँ पर हम. शी डिंट रियली नो मी, यहाँ पर वर्ब है, नो वर्ब है और नो के साथ हम वेरी का यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ रियली का ही यूज़ करेंगे. तो पहले और दूसरे सेंटेंस में हम वेरी का भी यूज़ नहीं कर सकते. लेकिन तीसरा सेंटेंस है आई एम नॉट रियली हंग्री, मैं भूखा नहीं हूँ. इसका मतलब ये नहीं कि मैं बिल्कुल भूखा नहीं हूँ. आई एम हंग्री बट नॉट एज मच एज आई शुड बी, जितना होना चाहिए उतना नहीं हूँ. आई एम नॉट वेरी हंग्री, इसका मतलब ये है कि मैं बहुत भूखा नहीं हूँ. सपोज कोई कह रहा है कि आप बहुत भूखे हो, तो मैं उसकी बात को काटने के लिए कि मैं बहुत भूखा नहीं हूँ, आई एम नॉट वेरी हंग्री, इस केस में हम वेरी का यूज निगेटिव सेंटेंस में कर सकते हैं. अगर मुझसे कोई कहता है आप भूखे होंगे और मैं भूखा हूँ पर बहुत भूखा नहीं हूँ, काम चल जाएगा, तो मैं क्या कहूँगा, आई एम नॉट रियली हंग्री. यहाँ पर हम वेरी नहीं कहेंगे. लेकिन कोई मुझे कहता है कि आप बहुत भूखे हैं, तो मैं कहूँगा मैं बहुत भूखा नहीं हूँ, आई एम नॉट वेरी हंग्री, इस तरीके से. तो उसकी बात को काटने के लिए, अगर वो बहुत भूखा मुझे कहेगा तो मैं उसकी बात को काटने के लिए आई एम नॉट वेरी हंग्री कहूँगा. अगर वो कहेगा आप भूखे हैं तो उसकी बात को काटने के लिए आई एम नॉट रियली हंग्री कहूँगा. पांचवा सेंटेंस है शी रियली डिंट नो मी, जो कि दूसरे सेंटेंस शी डिंट रियली नो मी से अलग है. दूसरे सेंटेंस का मतलब है वह मुझे नहीं जानती थी, जानती थी पर उतना नहीं जानती थी. और पांचवें का मतलब है वह मुझे सचमुच नहीं जानती थी, यानी न जानने पर जोर दिया जा रहा है, वह मुझे नहीं जानती थी बिल्कुल. इस तरीके से रियली के पोजीशन में डिफरेंस होने पर मीनिंग में भी डिफरेंस हो गया है. अब रियली का यूज़ सरप्राइज देने के लिए भी यूज किया जाता है, या फिर अपना इंटरेस्ट बताने के लिए यूज करते हैं, आश्चर्य व्यक्त करने के लिए. जैसे आई हैव अ न्यू मोबाइल, मैं कहता हूँ आई हैव अ न्यू मोबाइल, तो जिससे कहता हूँ, सपोज आई एम टेलिंग माई फ्रेंड दैट आई हैव अ न्यू मोबाइल, ओ रियली, मीन्स शी आर ही हैज़ इंटरेस्ट इन लिसनिंग टू दैट थिंग, जो मैं बोल रहा हूँ चीज़ें उसको सुनने में उसका इंटरेस्ट है. शी वांट्स और ही वांट्स टू नो मोर अबाउट दैट. ओके, तो रियली का यूज योर इंटरेस्ट एंड योर सरप्राइज शो करने के लिए करते हैं. ओके, दूसरे यस्टरडे आई लॉस्ट माई मोबाइल, कल मैंने अपना मोबाइल खो दिया. तो रियली यहाँ पर सरप्राइज है बट नॉट यू नो अ हैप्पी सरप्राइज, यू नो सरप्राइज है बट इट इज़ अ शॉकिंग वन, शॉक करने वाली सरप्राइज है. तो अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की सरप्राइज को शो करने के लिए हम रियली का यूज़ कर सकते हैं. और इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस लिखे हुए हैं तीसरा और चौथा. आर यू रियली गोइंग अब्रॉड, या व्हाट डू यू रियली थिंक अबाउट मी. तीसरे का मतलब है आप सच में अब्रॉड जा रहे हैं. मीन्स जब हम ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जिसका जवाब यस नो में दिया जाता है रियली का यूज़ करें, तो वहाँ पर हम आंसर के रूप में नो एक्सपेक्ट करते हैं, ये चाहते हैं कि सामने वाला आंसर दे नो में. आर यू रियली गोइंग अब्रॉड, मैं चाहता हूँ जिससे मैं प्रश्न करता हूँ वो नो में जवाब दे, नहीं. और चौथे का मतलब है व्हाट डू यू रियली थिंक अबाउट मी, आप मेरे बारे में क्या सोचते हो, वास्तव में आप मेरे बारे में क्या सोचते हो, ये जानकारी है. मतलब क्या रियलिटी है, आपकी सोच
मेरे बारे में क्या है, सच बताइए। तो इस तरीके से इंट्रोगेटिव में रियली का यूज़ करते हैं वास्तविकता बताने के लिए, वास्तविकता क्या है ये बताने के लिए। एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ हम वेरी और रियली दोनों का यूज कर सकते हैं, लेकिन वर्ब के साथ हम रियली का ही यूज करते हैं, वेरी का यूज़ नहीं करते, ये ध्यान रखना होगा। और अफर्मेटिव सेंटेंसेस में जब एडजेक्टिव और एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं तो रियली और वेरी दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंसेस में रियली और वेरी आते हैं तो उनका मतलब अलग होता है, जैसे कि मैंने पीछे एग्जांपल्स में बताया है। और अपना सरप्राइज एक्सप्रेस करने के लिए, शो करने के लिए भी हम रियली का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वेरी का यूज़ सरप्राइज व्यक्त करने के लिए नहीं करते। वर्ब के साथ हम रियली का यूज़ करते हैं, वेरी का यूज़ नहीं करते हैं, ये भी ध्यान में रखना होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम रियली का यूज़ कर सकते हैं ये पूछने के लिए कि क्या बात सच है, या वास्तविकता जानने के लिए यूज कर सकते हैं। और एक बात, नाउन के साथ हम रियली का यूज़ कर सकते हैं, वेरी का यूज़ नहीं करते, लेकिन अगर नाउन के साथ एडजेक्टिव भी लगा हुआ है अब हम वहाँ पर रियली और वेरी दोनों का यूज कर सकते हैं, और दोनों का मतलब भी एक ही होता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबाएं, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई नई वीडियोस आप तक समय पर पहुंच जाएं। धन्यवाद।